एक एएसआई है और एक एसआई है, उनको सस्पेंड करा गया है। 3 जज की बेंच होती है, बट उनमें से जो एक जज था सिलेक्टेड जज नहीं था। चाइना ताइवान पे अटैक, तो ये तो हम बोल देते हैं कि कर देगा, ये सोच भी नहीं सकता चाइना बेसिकली, क्योंकि ताइवान को सपोर्ट है यूएस का। देखा जाता है कि अब अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कोर्ट्स आपको संडे के लिए भी खुला रहेगा, और अगर लीगल मैटर है जो कि सही है और उसको गलत ट्रैप कर दिया गया, उसके लिए संडे को क्या मंडे को भी जाए तो उसको न्याय नहीं मिलता। हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं PW ओनली IAS के ऑफलाइन सेंटर पटेल नगर न्यू दिल्ली में। आज हम मिलेंगे कुछ स्टूडेंट से और उनसे जानेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछ के कि उनका उनका क्या ओपिनियन है। तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट से उनके राय। आपका शुभ नाम? सागर गिरी। आप PW ओनली IAS से पढ़ाई कर रहे हैं? यस। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो अभी पुणे में कार क्रैश हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? बेसिकली देखा जाए ना, अगर तो जो गाड़ी चला रहा था वो जो रिकॉर्डिंग आई है वो एक माइनर लड़का है, तो अब ये साफ साफ प्रूफ हो रहा है कि वो वीडियो के अकॉर्डिंग, बल्कि वीडियो के जो बाद में डिलीट कर दी गई है, हटा दी गई है प्रूफ के उसमें से, तो गाड़ी अब चला रहा है। और जब एक्सीडेंट हुआ है ना, तो जो ब्लड क्लॉट्स हैं, जो ब्लड है वो वहाँ पर था, बट जब एविडेंस को दिया गया ना, वो एविडेंस भी गायब कर दी गई है, कि जो पहले जुवेनाइल बोर्ड ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग जो सजा दी गई थी वो भी मायने नहीं थी, क्योंकि सेक्शन 185 मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग ये एक हिट एंड रन केस बन रहा था, बट जुवेनाइल बोर्ड ऑफ जस्टिस ने जो सजा सुनाई है 300 वर्ड्स का एसे, और पहला ये था, फिर 15 दिन ट्रैफिक पुलिस काम करना, फिर थर्ड ये था कि जो उन्हें ड्रिंकिंग की हैबिट थी उसके लिए उन्हें कंसल्टेशन के लिए भेजना, एक एएसआई है और एक एसआई है, उनको सस्पेंड करा गया है क्योंकि उनके द्वारा भी जो काम है उनका उसे ढंग से नहीं करा गया। तो बेसिकली जो पूरा ओवरऑल सिचुएशन है ना, वो पूरी तरह से जो माइनर है उसके हक में जा रही है। 3 जज की बेंच होती है, बट उनमें से जो एक जज था वो सिलेक्टेड जज नहीं था। ये बात भी एक मतलब बहुत ही कम देखी गई है, किसी को ज़्यादा नहीं पता, बट ये बात भी है कि जब 3 जज की बेंच होनी चाहिए तो वो जज की बेंच में तीनों जजेस वेरीफाइड क्यों नहीं थे। आपका शुभ नाम? अमन कुमार यादव। आप PW ओनली IAS से पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि अभी सुनने में आया कि चाइना ताइवान को घेर रहा है और हो सकता है उस पर अटैक भी कर दे, आपका इस बारे में क्या कहना है? पहली बात, चाइना ताइवान पे अटैक, तो ये तो हम बोल देते हैं कि कर देगा, ये सोच भी नहीं सकता चाइना बेसिकली, क्योंकि ताइवान को सपोर्ट है यूएस का, क्योंकि उसमें यूएस का एक बेनिफिट है। बेनिफिट की सेंस में कि अगर ताइवान को यूएस सपोर्ट नहीं करेगा तो चाइना की पूरी डोमिनेंस हो जाएगी साउथ चाइना सी पे, अगर वो हो गई तो चाइना का बहुत बेनिफिट है बेसिकली ट्रेड में या हर सेंस में। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे कि हमें लग रहा है कि चाइना अगर अटैक कर दे ताइवान पे, तो उससे इंडिया पे या किसी और देशों पे कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ताइवान आज पूरा जाइंट हब है किस चीज़ का, सेमीकंडक्टर चिप्स का, जो कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग करना भी अभी बेसिकली इंडिया का पूरा गोल है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, तो इन सब कामों में ताइवान बेसिकली एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है इंडिया के लिए। अगर उसकी पोजीशन जैसी आ जाए चाइना के साथ और या फिर यूएस का सपोर्ट है, अगर वैसी बनी रहती है यूएस के सपोर्ट के साथ, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अभी जैसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका का सपोर्ट है ताइवान को, तो आप इसको मानते हैं? सर, डायरेक्ट सपोर्ट है, लेकिन कह नहीं सकते कि डायरेक्ट सपोर्ट है अमेरिका का, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्री है अमेरिका। हाँ, अगर देखा जाए तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका सपोर्ट हो सकता है, डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली हो सकता है। अभी जो पुणे में कार क्रैश हुआ है 17 साल के लड़के से जो हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, माइनर है वो बच्चा जो बताया जा रहा है अभी, लेकिन सर उसमें देखा जाए तो हिट एंड रन के साथ साथ एक ड्रिंक एंड ड्राइव का केस भी है, क्योंकि जो एक्सीडेंट से जस्ट थोड़े देर पहले, हाफ एन आवर पहले का उसका एक वीडियो वायरल हुआ है, जहाँ पे बच्चे बार में थे, वहाँ पे उनका 40,000 समथिंग का बिल आया ड्रिंकिंग का, सिर्फ अल्कोहल कंज्यूम कर रखा था उन्होंने, स्मोकिंग भी कर रखी थी, और उन्होंने जो मतलब रैश ड्राइविंग कर रहे थे, तो वो जो है सर थोड़ा इफेक्ट उसका है। दो मासूमों की जान जो गई उसमें, मतलब वो लोग अपने यूथ जो थे हमारे। तो आपको लगता नहीं कंपनसेशन कुछ बनता है? सर, कंपनसेशन तो गवर्नमेंट के ऊपर है, जो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी एक्शंस लिया जाएगा वो तो गवर्नमेंट के थ्रू रहेगा। पुणे में जो कार क्रैश हुआ है, दो नौजवानों की जान गई है उसमें आपका क्या कहना है? सी, बेसिकली आजकल क्या हो रहा है ना कि जो एलिट क्लास है, हम लोगों ने बहुत सारे केसेस देखे हैं बाय द टाइम, जिसमें होता क्या है कि अगर कमिट करने वाला कोई एलिट क्लास का घर है तो वो बहुत जल्दी इवेड कर जाता है लॉज को, जो एविडेंट है या जिस पे एलिगेशन्स हैं वो भी शिफ्ट हो जाता है
और वो बहुत प्रिडिक्शन है, जैसे कि अभी जो चला रहा था लड़का कार, लेकिन अभी जो हाल ही में स्टेटमेंट चेंज हुए हैं कि नहीं वो नहीं चला रहा था, ड्राइवर चला रहा था। सो अब ये प्रिडिक्शन भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर आप वो अमीर है और उसने कोई गलती करी है तो कल को हो जाएगा कि वो चेंज हो सकता है कि नहीं, ये नहीं चला सकता, हाँ ये नहीं चल रहा, किसी और ने चलाया था, और वो चीज़ें इजीली चेंज कर दी जाती है नाम वगैरह चेंज करके और एलिगेशंस लगा दिया जाएगा। हो सकता है ड्राइवर बिकॉज इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका उतना अच्छा नहीं होगा तो उसको कुछ वैल्यू दे दिया जाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू, और वो फिर एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ उसने क्राइम कमिट किया है। और इससे क्या होता है ना इंडियन डेमोक्रेसी में कि कोर्ट्स पे जो लोगों का बिलीव है वो स्ट्रेंथन नहीं हो पाता, और इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं बिकॉज पीपल इन इंडिया इज एट द एंड ऑफ द डे बिलीव इन जुडिशरी सिस्टम कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है सो आई विल बी वेरी मच श्योर दैट कोर्ट विल पनिश द लाइक कल्प्रेट्स एंड उनको जस्टिस मिलेगा। तो जस्टिस को स्ट्रेंथन करने के लिए कोर्ट्स को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए उसके अगर। और जैसे कि आप लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को तो और थोड़ा सा ज़्यादा चुभती होगी ये चीज़ें कि जस्टिस ये कैसा जस्टिस है, कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि हमने सुना संडे को कोर्ट खुली थी उस दिन हियरिंग के लिए। तो ये देखो ये कितनी एक्सट्रीम केस है, एक तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनके लिए संडे को कोर्ट्स खुलते हैं, और इवन कि नाउ अब देखा जाता है कि अब अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कोर्ट्स आपको संडे के लिए भी खुला रहेगा, और अगर लीगल मैटर है जो कि सही है और उसको गलत ट्रैप कर दिया गया उसके लिए संडे को क्या मंडे को भी जाए तो उसको न्याय नहीं मिलता, ऐसा सिस्टम है। तो ये कोर्ट्स कहीं ना कहीं हमारे जो सिस्टम को प्रोसीजर को उसको एस्टेब्लिश करना ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड लाइक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दैट शुड बी देयर, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड, ये सारी चीज़ें थोड़ी होनी ज़रूरी है सो दैट पीपल कैन बिलीव इन द जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया। अच्छा एक चीज़ और हमने सुनी है कि जैसे चाइना ताइवान पर अटैक कर सकता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सी ऐसे न्यूज़ तो बहुत सारे आते हैं, लेट्स से लाइक रशिया यूक्रेन, लाइक बहुत लोगों ने सोचा कि ये तो दो दिन में वॉर खत्म हो जाएगा, मे बी सप्रेस हो जाएगी, कंट्री अक्वायर कर लिया जाएगा, सो इट्स नॉट सो दैट इजी। एंड सेकेंड थिंग इज द प्रेशर फ्रॉम द अदर कंट्रीज जो कि ट्रेड पे फ़र्क डालती है, तो उससे होता है क्या है कि छोटी कंट्रीज़ को बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी सपोर्ट होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है कि आप अटैक कर लो और उसको ख़त्म कर दो, ये होना नहीं है, जिसमें कि कहीं ना कहीं ताइवान से सबको फ़ायदे भी दिखते हैं बहुत सारे खास करके टेक्नोलॉजी के मामले में। जैसे इंडिया भी, हम लोग बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं जो जिसके प्रोडक्ट्स इंडिया में चलते हैं, लाइक एप्पल, उसके प्रोडक्ट्स वहाँ से बन के आते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, सो इट्स नॉट दैट ईजी कि हाँ आप अटैक करके उसको ख़त्म कर दो, बिकॉज यू नो जिसको अगर इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज पर्टिकुलरली US से, तो वो तो नहीं चाहेगा ऐसा करना, वो तो सपोर्ट करेगा भले ही वो सामने से करे या बैकडोर से करे, सो इट दे विल सपोर्ट।